कैसे हो आप सब लोग, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, आज हम किस वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा अभी वर्ल्ड में कौन सा गेम फेमस है। हर एक घर का कोई ना कोई बंदा और दुनिया में जहाँ का भी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे दुनिया में जिस भी कंट्री का बंदा हो, पबजी नहीं खेलने वाला तो कोई बंदा ही नहीं होगा। तो आप सभी को पता है पबजी गेम कितना पॉपुलर है वर्ल्ड में, अभी कितना चल रहा है पबजी गेम। तो दोस्तों, इसी गेम को खेलने वाले हम इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर प्लेयर और फेमस प्लेयर, और जो पब्लिक उनको चाहती है, पब्लिक उनका गेम प्ले देखने में पसंद करती है, सबसे ज़्यादा गेम प्ले उनका देखती है। और जब जो होता है ना, कोई टूर्नामेंट होता है ना, पब्लिक ज़्यादा उनको ही सपोर्ट करती है। तो हम उन्हीं दोनों को हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उन दोनों का साथ में जो गेम प्ले है उनको रिएक्ट करने जा रहे हैं। उन दोनों का नाम है, एक का नाम है मोर्टल और एक का नाम है स्काउट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा स्काउट को क्या बोलते हैं। मैंने बहुत जगह पर मीम्स भी पढ़े थे स्काउट के बारे में, जो स्काउट ने ऐसा मीम्स था कि स्काउट ने रिकॉइल को जीरो कर दिया। वो रिकॉइल ऐसा कंट्रोल करता है ना कि लगता है गन में कोई रिकॉइल ही नहीं है, चाहे 6 का स्कोप हो, चाहे 3 का स्कोप हो। और मोर्टल को तो आप जानते ही होंगे, मोर्टल का आईक्यू बहुत ज़्यादा है। जब वो गेम प्ले खेलता है तो वो गेम प्ले से ज़्यादा अपना आईक्यू से खेलता है, जिसके कारण तो सामने वाले बंदे के इनिमी को मुश्किल हो जाता है कि उसके षड्यंत्र समझने में। मोर्टल ऐसा दिमाग लगा के खेलता है कि सामने वाला जो इनिमी होता है वो कंफ्यूज होता है, किधर से मार रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से फेंक कर रहा है, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज उन्हीं के दोनों का गेम प्ले को रिएक्ट करने जा रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले वीडियो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद में हम वीडियो के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं नेपाल से हूँ तो मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी गेम प्ले का पूरा मज़ा लीजिएगा, रिएक्शन वीडियो का पूरा मज़ा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए। पता नहीं ब्रो, तुम क्या बात कर रहे हो? दो तीन वीडियो दिखा दिया जाए स्ट्रीम पे एक्सप्रेशन के। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दो पॉपुलर प्लेयर, फेमस प्लेयर जो पबजी के गॉड कहा जाते हैं इंडिया में, उन लोगों को साथ में खेलते हुए देखना बहुत कम मिला जाता है। तो मैंने सोचा आज इसी को रिएक्ट किया जाए। अभी तो लूट कर रहे हैं। ये रहा इधर आओ भाई, गन नहीं है भाई। एक जन आओ मेरे पास लेवल वाले थे। नेड ओ भाई, कोई मार, इग्नोर फुल टॉक्सिक ब्रो, शायद नहीं फिर वो नीचे है। वो मोर्टल को नॉक कर दिया। रुक बे ब्रो, ओ भाई कोनी अटक गया मेरा। तू कैसे मार रहा है? आजा नीचे, इधर आ। कैसे मैं मार रहा हूं? पीछे से पीछे आ रहा हूं। इधर हम तो उसी से खेल ही नहीं पाते यार, लेकिन जो स्काउट भाई है, और स्काउट से भी दूसरा याद आया मुझे, जो साउथ कोरिया का प्लेयर है मोक, और उसका नाम क्या था, मोक और एथेना, हाँ वो भी उजी से बहुत अच्छा खेलता है। ऊपर दरवाजा दरवाजा, ठीक है चाहे कुछ भी कह लो भाई, लेकिन जो मोर्टल का आईक्यू लेवल है ना, आप उसको मैच नहीं कर सकते। इतना इंटेलिजेंट है बंदा गेम के लिए। हम जब लड़ेंगे ना, अब अपना रहना चढ़ने को पसंद भाई, मैं चढ़ नहीं पा रहा, शिट नहीं है प्लीज। ये नंबर चार है।
ये नंबर मैं वही मैं बोलूं मैं कुछ डर के भागा उल्टा भाई नंबर 4 है भाई नंबर 4 भाई क्यों डरा अपना ही प्लेयर देख डर गए कभी-कभी होता है मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है आपके साथ हुआ है ना ही कमेंट करिएगा कम ऑन स्क्वाड एक बंदा बॉडी वो गलती हुई गाड़ी में कार 98 कार 98 कार 98 लग भी गया भाई तेरे लगा मैं असोल्टर रहा हूँ टॉप पे लगी है मैं असोल्टर ना ओके कुछ भी कह लो भाई कुछ भी स्काउट का कोई कंपैरिजन नहीं है ओ ये लॉन्डर पीछे माय गॉड ओपन ओपन में देख रहा है सुन आराम से खेलना क्योंकि मैं क्रॉसबो अटेम्प्ट करूँगा ओके भाई तू कुछ ज्यादा ही ओपन में नहीं जा रहा है वो लॉन्डर सामने ही है खेला था ब्रो खराब लगा ब्रो वाओ जितने रफ्तार से खेल रही है बहुत खराब लगा ये मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब मेरे हाथ में एक गेम होती है MK14 भाई तुम आज इतना जोश में क्यों वेट अबे एक्सटेंडर नहीं ओके पहले तो किल कराओ भाई ये रहा भाई ओए कूद रहा है कौन है ओ भाई भाई डर इसका उठना हो गया अलग स्क्वाड मोटा लेना भाई कोई ना कोई ब्रो मेरे को एक्सटेंडर दे दियो मैं 10 गोली में एक आदमी गिरा सकता हूं सिर्फ धोखा मेरे साथ किस किस को मार देते हैं ना ये दिमाग में समझ ही नहीं आता जहाँ भी जाते थे इनिमी का था इनिमी को डब्बा बना के छोड़ते थे ओ प्लेयर ब्रो यू सो प्रो ब्रो तेरे को मार दिया ब्रो कितना भाई किसको गिरा नंबर 4 भाई तू तो प्रो ब्रो पहला पेल दिया इसको देख नंबर है मुंह तो खोल भाई तेरे को हेल्प चाहिए देखिए ना उनके हाथ में गन कौन सा है स्काउट भाई खत्म नहीं कर पा रहे तेरे को हम लोग कोई भी गन हो लेकिन मारता बहुत अच्छा है बंदा ओ अगा ब्रो ये देख नहीं सकता नंबर 4 वेरी सैड ब्रो वो पता नहीं वो कहीं और से मंगवाया होगा भाई इतनी गाड़ी लेफ्ट गाड़ी नमन रुक हां दिख गया अब स्काउट और मोटाली बाकी है ओ भाई रुको गए रे रिच पे लेट्स गो बॉयज अच्छा ये तो इधर वाला था ना वो वाला वो एक ही गाड़ी है ना देखा हमने कोई एक्स्ट्रा क्या रिचुअल था जो ऑटो में चलाता है ना MK14 तो वो कितना हिलता होगा आप अगर पबजी खेलते होता आपको पता ही होगा ये मेरा ओ भाई नाइस होल्ड कर वाओ नाइस बॉयज यूसीपीटी कैप्टन ब्रो बूम स्नाइपर एंड डार्क एंजल डोंट डू दिस टू मी ब्रो आउटपुट डरा दिया आप ऐसा नहीं करते ओ उसके पत्थर पीछे मारा ना उन लोगों को दोनों MK लेके खेल रहा है इसका व्हाई यू ट्राई टू रन वाओ सही है भाई सही है अबे यही बच्चे हैं बे यू प्ले K9 विद मी K9 K9 लेट्स गो लेट्स प्ले K9 K9 ब्रो क्या है ये ओ वेरी स्प्रे होल्ड इट लॉल पे
क्या भी करते हैं ये लोग भाई, पीक वीक कर रहा है भाई एक ही जगह से भाई। एमके ब्रो हाथ में ऐसा नहीं करते ब्रो, एमके इस भगवान का। शायरी, तुम हड्डी में चलते हो, मैं दौड़ता हूँ घोड़ो X2। तुम देखो भाई ये थोड़ा सा है ना, अब जब मैं अकेला स्ट्रीम करूंगा तब बोलना, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ओ हेलो, देखो Why you do this to me, bro? F me MK. Panda kya likha? Bhai, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. So, dosto, jaise ki aapne dekha. गेम ख़त्म भी हो चुका है, और मैं एक बात बताऊँ आपको, जब मैं पबजी देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, पबजी देखने पर कभी मेरा मन नहीं भरता। मैं बड़े बड़े स्ट्रीमर का स्ट्रीम देखता रहता हूँ, जैसे कि डायनामो जो मोक है, और वो मोक तो वो साउथ कोरिया का है, और एथेना हुआ, और पांडा, और मोर्टल, और स्क्राउट का तो ऑब्वियसली देखता हूँ, और अभी तो स्क्राउट का 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो गया है। तो मैं इन लोगों का स्ट्रीम देखता हूँ ना तो मेरा मन ही नहीं भरता कि देखता रहता हूँ। टाइम कब चला गया मुझे पता भी नहीं रहता चलता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, स्काउट और मॉडल साथ में खेलते हैं, खेले हुए हमने ये गेम, हमने इसको रिएक्शन किया। ऐसा कम ही टाइम होता है जो बड़े बड़े स्ट्रीमर एक साथ खेलते हुए हम देख पाते। तो इसी वीडियो को मैंने रिएक्ट किया, और गेम प्ले आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं स्काउट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मॉडल का भी फ़ैन हूँ, और डायनामो का भी फ़ैन हूँ। मुझे डायनामो का जो है वो हेडशॉट वाला स्किल मन पड़ता है, और स्काउट का जो है वो रिकॉइल कैसे कंट्रोल कर लेता है वो तो आपको पता ही होगा, और स्काउट का दूसरा बात ही मुझे पसंद आता है, जो है जो स्काउट जो बंदे उसको गाली देते हैं या उसके चैट में कोई कुछ भी गलत स्पैम करते हैं तो स्काउट कैसे उनको जवाब देता है वो तो आपको पता ही होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पर्सनली मुझे स्काउट बहुत पसंद है, और मॉडल जो है मॉडल थोड़ा इनोसेंट सा है, और वो थोड़ा भोला बंदा सा है, वो कुछ को किसी को कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप अपने गेम प्ले खेलता है, और अपने जो मैच होता है उन पर फोकस करता है। और मॉडल आदमी एकदम अच्छा है, और उनका जो IQ लेवल है इंडिया में सबको पता है कि किसी से भी पूछ लो बड़े स्ट्रीमर से, मॉडल सबसे गेम प्ले में सबसे ज़्यादा IQ किसका है तो वो कहेंगे मॉडल का है। ऑब्वियसली वो दिमाग लगाकर खेलते हैं, इसीलिए तो इतना प्राइज जीता है। मैंने सुना था मॉडल ने इंडिया पर बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हुए हैं, और स्काउट भी बहुत फैनेटिक का प्लेयर है स्काउट, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लेयर बहुत लाजवाब है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, और आपको भी पसंद होगा। अगर आपको मॉडल और स्काउट में से चुनना होगा तो आप किसको चुनोगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, उससे भी ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बोलना कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो, मैं किस पर रिएक्ट करूँ, मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।